ये बाजू काटने का आसान तरीका और किस तरीके से उसको जोड़ा जा सकता है। सो हमारी जो बस्ट है वो है 42 इंचेस, 42 का आधा होता है 21 इंच। अब हमें 21 से 2 इंच ज़्यादा लेना है। सो फ्रेंड्स, 21 से 2 इंच ज़्यादा मैंने 23 इंचेस ले लिया है, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके हुआ एक बाजू का, मुझे दो बाजू बनानी है तो इसलिए इसको एक बार ही इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। हमें छोटी बाजू ही चाहिए, हाफ बाजू जो होती है वही चाहिए, तो हमने ऐसे फोल्ड कर लिया। मुझे 4 इंच बाजू रेडी रखनी है, इसलिए मैंने 6 इंच का कपड़ा लिया है। और अब ये कुल मिलाकर 4 तय हैं, 1, 2, 3, 4, दो बाजू के लिए। और यहाँ से ये फोल्ड है, इधर से फ्रेंड्स ये फोल्ड है, यहाँ से खुली हुई है सारी तय, मैंने इस तरीके से रख दिया इसको। अब ऊपर से अगर आप पतले हैं, यानी कि 28 से लेकर 34 तक की अगर आपकी बस्ट है, तो आप ये 2.5 इंच लीजिए। अगर 38, 42, 40 से ज़्यादा है तो ये 3 इंच लीजिए। मैं 3 इंच लूँगी क्योंकि हमें चाहिए 42 इंच के लिए। तो इतने पूरा सीधा खींचेंगे पहले, लगभग 2 से 2.5 इंच तक, और फिर इसको ऐसे शेप दे देंगे कुछ इस तरीके की। अब सिर्फ फ्रंट पैनल के लिए यहाँ से बिल्कुल आधा देख लो, 11.5 का 5.5 के आसपास यहाँ पर। अब इसमें से जितनी हमने शेप बाहर को दी थी आगे फ्रंट कुर्ती पे, उतनी ही हम पीछे देते हैं यहाँ पे बाजू में भी। सो मैंने 1.25 इंच दी थी, तो मैं 1.25 इंच दे रही हूँ। अगर कोई पतला है तो उसके लिए 0.5 इंच ही शेप देंगे। सो अब इसको ऐसा मार्किंग कर देते हैं। ये वाली जो शेप है सिर्फ फ्रंट पैनल पे आएगी, तो पहले हम बाहर का हिस्सा कट करेंगे। इधर थोड़ा सा यूँ सीधा करके ऐसा टेढ़ा कर दीजिए। ये पहले बाहर का हिस्सा कट करेंगे आगे पीछे दोनों बाजू के लिए। अब इसमें से ऊपर से ये जो फोल्ड है इसको मैं काट देती हूँ। अब ये बाजुओं को खोलेंगे। इसको भी खोल लिया। अब फ्रेंड्स दोनों बाजू की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और यहाँ से अब कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा कि फ्रंट की शेप आ गई। अब इसको लिख देंगे कि ये पहले फ्रंट वाली साइड के साथ ही जोड़ना है, और इसके पीछे ये वाली बाजू में भी लिख देंगे। तो हम अब हमारे पास दो बाजू आ गई हैं जिसके अंदर दो फ्रंट पैनल्स हैं, एक एक साइड लगेगी और दूसरी दूसरी साइड पर लगेगी। टर्निंग करेंगे, 0.5 इंच ऐसा मोड़ा और फिर इस तरीके से मोड़ लिया। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, थोड़े थोड़े सी दूरी पे पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ध्यान रखें कि ये हमारी फ्रंट साइड है कपड़े की और हमारे यहाँ पे हमने एफ लिखा है, तो दोनों की सही साइड से एक दूसरे को मैच करनी चाहिए बाजू। सो ये बाजू यहाँ की है और दूसरी वाली बाजू पे फ्रंट साइड इस साइड पे लिखा है, तो ये बाजू इस साइड पे जुड़ेगी। अब आप कॉर्नर से मैच करिए पहले कि आपका जो बाजू जब हम स्टिच करेंगे तो क्या ये पूरा आएगा कपड़ा, क्योंकि कई बार ये बाजू छोटी पड़ जाती है, तो पहले ही मैच कर लीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। और मैच करने पे मुझे ये पता चला कि बाजू थोड़ी छोटी है, बाजू इतनी छोटी है, तो हम क्या करेंगे इसका आधा यानी कि इसको यहाँ पे रख के अब स्टिच करेंगे। अब हमारी बाजू पूरी आ जाएगी दोनों साइड से, तो अब 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे पूरा स्टिच लगाते हैं। ध्यान रहे बाजू की और सूट की सही साइड एक दूसरे की तरफ, हमारी साइड पे गलत साइड आएंगी। और अब हम स्टिच लगा रहे हैं। ऐसे पूरे में स्टिच लगा दो, ऐसे ही दूसरी बाजू में भी करना है। जैसे ऐसे कपड़ा घूमता है वैसे वैसे ही सीधा थोड़ा थोड़ा कर करके स्टिच करते चले जाइए। बीच में कोई झोल नहीं आना चाहिए, कुछ इस तरीके से अपने आप वैसे वैसे आता रहेगा। फ्रेंड्स दोनों साइड से पूरी आ गई ना, और यहाँ से इतना ही मार्जिन छूटा यहाँ पर भी, तो ये सही तरीका है बाजू लगाने का। फ्रेंड्स ये वही निशान है जो हमने सबसे पहले लगाया हुआ था इसकी कटिंग करने से पहले ही। अब उसी को मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ये बाजू है, बाजू को ऐसे खोलेंगे बिल्कुल बीचों बीच से, और जितनी बाजू का बॉटम रखना है उतने बाजू का बॉटम रखेंगे। मैंने यहाँ पे 7.5 पे मार्क किया। 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद इसको फिर इस तरीके से इस ज्वाइंट के साथ मिला दिया। अब क्या करना है, अब दूसरी साइड पर भी सेम ही निशान चाहिए, तो हम एक बहुत ही आसान काम कर सकते हैं कि इस कपड़े को पकड़ते हैं, यहाँ ले आते हैं
और निशान के साथ निशान को मिला देते हैं। आप चाहे तो फ्रेश दोबारा से भी निशान लगा सकते हैं, आपके पास निशान बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मेजर कर करके बस्ट का फोर्थ आधा इंच ऐड करेंगे उसमें, फिर इस तरीके से हम निशान भी लगा सकते हैं। लीजिए दोनों सर तरफ निशान ट्रांसफर हो गए हैं। अब इस निशान को भी मैं हाईलाइट कर दूंगी, डार्क कर दूंगी। अब दोबारा से मेजर कर लेंगे कि हमें कितना चाहिए, तो ये 23 आ रहा है, सो उस हिसाब से हमने पूरे पे मार्किंग कर ली है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो उस हिसाब से आप इसमें निशान और लगा सकते हैं अंदर को या बाहर को। अब हम सिलाई मशीन पे जाएंगे और इधर से मार्किंग को पकड़ेंगे और यहाँ से इसको पक्का करते हुए ऐसा स्टिच कर देंगे जैसे जैसे हमारा निशान जा रहा है। और फिर यहाँ आने के बाद मैं इसकी मार्किंग और एंड तक कर देती हूँ, आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से करनी है। यहाँ आने के बाद जितना हो सके बाहर को ले जाएंगे और फिर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लास्ट तक इसको स्टिच कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।